अच्छा, देश दुनिया सब एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नई नई जगहों पे जाना, नए लोगों से मिलना, नए क्लोथ्स ट्राई करना, नया कल्चर, एवरीथिंग। लेकिन क्या कभी आपने खुद को एक्सप्लोर किया है, खुद से पूछा है कि वो क्या चाहता है? बड़ा आसान होता है दूसरों की लाइफ के बारे में अच्छा और बुरा बताना, लेकिन बात जब अपनी आती है तो हम मौन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने खुद को जाना ही नहीं, खुद को टाइम ही नहीं दिया। ये दौड़ती भागती जिंदगी तो यूं ही चलती रहेगी, लेकिन इसे हमने खुद पर हावी होने दिया तो ना हम खुद को समझ पाएंगे ना दुनिया को। हम सब यूनिक हैं, हम सब में कोई ना कोई क्वालिटीज, कोई ना कोई टैलेंट्स हैं, लेकिन हम अपने टैलेंट्स, अपने क्वालिटीज तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम खुद को डिस्कवर नहीं करते। तो जरूरत है खुद को टाइम देने की, खुद से बात करने की, खुद को जानने की। अगर एक बार हमने खुद को डिस्कवर कर लिया तो हम उस डायरेक्शन में अपना 100% दे सकते हैं जिस डायरेक्शन में हम जाना चाहते हैं। सपोज करिए, अगर महेंद्र सिंह धोनी को पता ही नहीं होता कि वो क्रिकेट की दुनिया के लिए बने हैं, तो भारत को T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी कौन जिताता? कल्पना चावला को अगर अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जानने की उत्सुकता नहीं होती तो हमें भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कैसे मिलती? इन्होंने ये सब अचीव किया क्योंकि इन्होंने खुद को जानने का प्रयास किया था। तो बस मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ, खुद को टाइम दीजिए, खुद को जानने की कोशिश करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।